I'm starting one of the most important chapters in history. The chapter is bit tricky because the next chapter, जो बाकी chapters हैं, like forest है या pastorals है. Pastorals maybe it is not there in all the schools. Forest is there, forest society and colonialism, and then हिटलर वाला जो चैप्टर है, दे आर ऑल वेरी इंटरेस्टिंग. दे हैव सम स्टोरी लाइन. दिस चैप्टर डजंट हैव एनी स्टोरी, बट इफ यू रिमेंबर दीज पीपीटीज, इफ यू रिमेंबर द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, दैट वुड हेल्प यू आउट फॉर योर एग्जाम्स. हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था, द वन विच वी स्टार्टेड वॉज दी फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो आपका 9th का है, दैट इज अ फ्रेंच रेवोल्यूशन, राइट? एंड वॉट वी हैड रेड इज कि ड्यू टू फ्रेंच रेवोल्यूशन देर वॉज अ चेंज इन द एंटायर यूरोप. यूरोप के अंदर चेंजेस थी. नाउ वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशलिज्म इन यूरोप? तो सोशलिज्म जो है, दैट इज अ टर्म. सोशलिज्म इज अ टर्म, इट इज एन आइडियोलॉजी. जैसे सोशलिज्म, नाजिज्म, अगर आप देखो तो नाजिज्म इज एन आइडियोलॉजी ऑफ हिटलर एंड हिज फॉलोवर्स. सोशलिज्म, दोस हु बिलीव दैट देयर शुड बी इक्वालिटी, द ब्रिज बिटवीन रिच एंड पुअर, जो अमीर और गरीब के बीच में. अब इसको कैसे हम कर सकते हैं, मतलब हाउ कैन बी रिमूव द ब्रिज? कैसे करेंगे हम, कैसे कर सकते हैं उस डिफरेंस को, सॉरी, हाउ कैन वी ब्रिज दैट? तो देर आर मेनी थियोरीज जिसमें ये कहा जाता है दैट द इंडस्ट्रीज, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, लाइक आपका स्टील, आयरन, इन सब को द गवर्नमेंट शुड कंट्रोल, नॉट द प्राइवेट पीपल. मतलब इट शुड नॉट बी विद अस, इट शुड बी विद द गवर्नमेंट. एंड गवर्नमेंट शुड ट्राई टू गिव ऑल द फैसिलिटीज टू द पीपल. तो जो सोशलिस्ट थियरी है, क्योंकि 11th में, 12th में, दिस इज अ थियरी विच गोज विथ दोज चिल्ड्रन हु स्टडी पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी. जो बच्चे इन स्ट्रीम्स को लेते हैं ना, उनके लिए भी ये थियरी आगे आती है. तो सोशलिस्ट इज अ थियरी वेयर द डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड पुअर शुड बी ब्रिज्ड. हमारे यहाँ पर देर आर मेनी पीपल लाइक राजा राम मोहन रॉय एंड डेरोजियो, ऐसे कई लोग रहे हैं जिन्होंने इन थियरीज को फॉलो किया है. इनफैक्ट हमारा एक पॉलिटिकल पार्टी है, हमारे यहाँ पर इन इंडिया वी हैव अ पॉलिटिकल पार्टी विच इज कॉल्ड एज CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. एंड दिस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हैज इट्स रूट टू सोशलिज्म. जो अभी आप पढ़ोगे मार्क्सिज्म, कार्ल मार्क्सिज्म, अगर आप CPI का पढ़ोगे तो दे ऑल्सो हैव, बिकॉज दे हैड टेकन ऑल दोज आइडियाज फ्रॉम रशिया ओनली. हमारी जो इकोनॉमी है, इंडिया की जो इकोनॉमी है, दैट इज वॉट यू कॉल एज मिक्सड इकोनॉमी. हम लोग उसको मिक्सड इकोनॉमी बोलते हैं. मिक्सड इकोनॉमी बच्चे क्या होता है? मिक्सड इकोनॉमी होता है जिनमें हमने वेस्टर्न कल्चर, जैसे US, उनका कैपिटलिस्ट एंड रशिया का सोशलिस्ट, दोनों के आइडियाज को लिए हैं. तो हमने आइडियाज लिए हैं फ्रॉम सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन. एंड रशियन रेवोल्यूशन का इंडिया के पॉलिटिक्स के साथ देर इज अ गुड कनेक्शन ऑल्सो. तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इट कम्स की वॉट इज रशियन रेवोल्यूशन, मतलब वॉट इज रेवोल्यूशन, मतलब ये वो टाइम था, इट वॉज द सीरीज ऑफ रेवोल्यूशन. आपका 2 या 3 मार्कर क्वेश्चन है क्लास 10 9. इट इज द सीरीज ऑफ व्हाट यू कॉल एज इंसिडेंट्स दैट हैपेंड बिटवीन 1905 टू 1907.
ये वो आपके इंसिडेंट्स हैं। दिस इज व्हेन रशिया के अंदर राजा हुआ करते थे एंड उनको बोला जाता था, मतलब जो रूलर्स होते थे उनको बोलते थे जार, एंड दे वर ऑटोक्रेट्स। ऑटोक्रेट्स मीन्स वंस दे आर इलेक्टेड दे वुड गो ऑन रूलिंग। और यही एक, मतलब कि ये सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स है जिसने पहले रशिया को, रशिया वॉज ओनली रशिया, इट बिकेम सोवियत यूनियन USSR, लेटर ऑन इट डिसइंटीग्रेटेड, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, बट लेटर ऑन इट डिसइंटीग्रेटेड। एंड देर वर थ्री काइंड्स ऑफ पीपल, नाउ देर आर नॉट पीपल, मतलब तीन तरीके के आइडियोलॉजीज हुआ करते थे उस जमाने में। आपका तीन मार्कर, वन ऑफ द श्योर शॉर्ट क्वेश्चन, एंड दे वर लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। इन द थ्री मार्कर क्वेश्चन यू हैव टू डिफाइन देम। लिबरल्स जो कि आपके लिबरल थॉट्स रखते थे, रेडिकल्स मोर एक्सट्रीमिटी, एंड कंजर्वेटिव दोज हु डिड नॉट बिलीव इन एनी काइंड ऑफ इक्वालिटी। तो हुवर लिबरल्स, दे वॉन्टेड द चेंजेस इन द कंट्री, दे वॉन्ट द चेंज टू सेक्यूलर नेशन, मीन्स दे वर एबल टू अडॉप्ट ऑल काइंड ऑफ रिलीजन्स। अब उधर जो है इन रशिया एट दोज टाइम्स, मतलब कि रशिया के अंदर आपके जो है, दे हैड द क्रिश्चियन, दे हैड द बुद्धिस्ट, दे हैड अदर काइंड्स ऑफ, एंड दे वर ओपन टू ऑल। वो लोग भी फ्रेंच रिवोल्यूशन के जैसे मोनार्क या डायनेस्टिक रूल्स को नहीं मानना चाहते थे, दे अपोज दैट। दे वॉन्टेड जुडिशरी जो है इट शुड बी फ्री, गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल नहीं रखना चाहिए। लेकिन लेकिन उनमें एक चीज क्या थी, दे डिड नॉट वॉन्ट टू गिव द वोटिंग राइट्स फॉर एवरीवन। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में वो लोग विश्वास नहीं रखते थे, दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। दिस इज अ वन मार्कर क्वेश्चन, एंड दे वॉन्टेड टू गिव द राइट्स ओनली टू दोज हु आर हैविंग द प्रॉपर्टी। ऐसा फ्रेंच में भी था। नाउ द रेडिकल्स, दे वॉन्टेड मेजोरिटेरियनिज्म, यानी कि जिस कल्चर, जिस रिलीजन, जिसके ज्यादा पॉपुलेशन है, दे शुड रूल द गवर्नमेंट। और उनको भी नहीं पसंद था कि जो मनी है, प्रॉपर्टी है, इट इज ओनली विथ फ्यू पीपल, एंड दे सपोर्टेड यूनिवर्सल सफ्रोगेट। सफ्रोगेट मीन्स इक्वालिटी ऑफ राइट्स। द कंजर्वेटिव्स जो पुराने थे, द वन हु वर ऑटोक्रेटिक, देन उनका ना ही रेडिकल्स नीदर लिबरल्स, दे वर अपोज टू ऑल। दे वॉन्टेड टू चेंज द सोसाइटी, दे वॉन्टेड टू हैव सर्टन चेंजेस बट स्लोली। तो जो कंजर्वेटिव्स हैं, दे आर द ओल्ड रेजिम, हम बोलते हैं ओल्ड रेजिम मीन्स दोज हु सपोर्टेड द ओल्ड सिस्टम। वेयरएज रेडिकल्स वर बिट ओपन माइंडेड, एंड जो आपके लिबरल्स थे, दे वर ओपन माइंडेड बट नॉट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। थ्री मार्कर क्वेश्चन प्लीज। नाउ व्हाट इज 1815? 1815 हमारे हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री में, इट कीप्स अ वेरी बिग मतलब कि पीरियड। दैट वाज अ पीरियड व्हेन नेपोलियन बोनापार्ते वाज डिफीटेड। दैट वाज अ पार्ट जहां से आपका 10th स्टैंडर्ड का नेशनलिज्म इन यूरोप स्टार्ट होता है, एंड दैट इज द पार्ट व्हेन आपका यूरोप हैड अ न्यू काइंड ऑफ मैप, क्योंकि इट वॉज अ टाइम व्हेन ही वॉज डिफीटेड, नेपोलियन बोनापार्ते, एंड इन द बैटल ऑफ वाटरलू। और यही टाइम था व्हेन पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ऑटोक्रेटिक रूल्स,
वो लोग नहीं चाहते थे वैसा रूल जैसा वहां पर उस वक्त में चला था जो कंजर्वेटिव्स ने किया था. दिस इज अ डिटेल इन योर 10th स्टैंडर्ड. जो कंजर्वेटिव्स थे दे हैड सेट अप द न्यू रेजिम. बोरबोन डायनेस्टी को वापस जो है मतलब कि रिपोज किया गया था. देर वर सम चेंजेस मिलिट्री के ड्रेसेस में, देर वर सम चेंजेस इन द मैप, बट दे वर नॉट ओपन टू एवरीथिंग. वो लोग अगर उनको कोई क्रिटिसाइज करता था, उनकी कोई बुराई करता था, तो दे डिड नॉट लाइक इट. तो द पीपल अराउंड यूरोप वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दीज काइंड ऑफ एट्रोसिटीज. नाउ ये वो भी पीरियड था व्हेन इंडस्ट्रीज केम अप. अब ये जो इंडस्ट्रीज हैं क्लास 9, दे वर नॉट लाइक व्हाट यू सी टुडे. आज आप जैसा इंडस्ट्री देखते हो ना, वैसी इंडस्ट्रीज नहीं थी. दीज इंडस्ट्रीज वर बेसिकली शुरू शुरू में तो दे वर इन द हाउसेज ओनली. लेटर ऑन इवन व्हेन दे वर अ प्रॉपर इंडस्ट्री बना था, तब भी दे यूज टू बी इन पॉकेट्स, मतलब छोटी छोटी जगहों पे होता था. बट इंडस्ट्री आने से सोशल यानी कि जो लोगों के रहने के तौर तरीके दे इट चेंज एंड देर वर ऑल्सो इकोनॉमिक चेंजेस. लोग द पीपल गॉट वर्क, द वेमेन मेन चिल्ड्रन दे स्टार्टेड वर्किंग. बट द प्रॉब्लम वॉज देर वॉज नो हाउसिंग, नो सैनिटेशन. देर वर जो इंडस्ट्रीज होती थी वो सिर्फ कुछ रिच पीपल के हाथ में होती थी. सो दे वॉन्टेड कि इट शुड बी इन टू पीपल हु आर एजुकेटेड, दोज हु आर हैविंग मोर, पुअर को जो है इक्वालिटी मिले. और इसी की वजह से लोग रैडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स को, सॉरी लिबरल्स को सपोर्ट करते थे. द पीपल स्टार्टेड सपोर्टिंग रैडिकल्स एंड लिबरल्स. एट दैट टाइम देर वर मेनी पीपल हु केम अप, एंड उनमें से मतलब बहुत प्रोमिनेंट अगर हम बोलते हैं तो कार्ल मार्क्स, लुइस ब्लैंक, रॉबर्ट ओवन, फ्रिडरिच एंगल्स. इनमें अब आपके पेपर के अंदर कार्ल मार्क्स के ऊपर राइट अ शॉर्ट नोट आता है. रॉबर्ट ओवन के ऊपर तो आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, बट ऑन कार्ल मार्क्स बिकॉज हिज थियोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वी हैव अ क्वेश्चन ऑन कार्ल मार्क्स. रॉबर्ट ओवन वॉज द ओनर ऑफ द इंग्लिश मैन्युफैक्चरर. He wanted to build a cooperative society called New Harmony in Indiana. That's a place. That's a place. Robert Owen का जो हाँ, लुइस ब्लैंक ये भी कोऑपरेटिव के लिए काम करना चाहता था. कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है? जहां पीपल टुगेदर डू सम वर्क. लाइक इन इंडिया शुगर केन का जो मैन्युफैक्चरिंग या उसका सेलिंग है वो कोऑपरेटिव में होता है. मिल्क हमारे यहाँ कोऑपरेटिव्स में होता है. इफ यू रिमेम्बर, इफ यू नो द अमूल आनंदा मिल्क यूनिफाइड लिमिटेड, दैट्स अ कोऑपरेटिव. सो दे वही वांटेड, ही एनकरेज अ कोऑपरेटिव वर्क. कोई भी चीज हो तो मिलकर प्रोड्यूस करे, मिलकर सेल करे एंड प्रॉफिट्स को शेयर करे. ही वांटेड जो कैपिटलिस्ट है उनको हम वी शुड बी दे शुड बी अबॉलिश. नाउ व्हाट इज कैपिटलिज्म? आज हम लोग इन 2024 वी आर लिविंग इन अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी. कैपिटलिस्ट होता है जहां द रिच द इंडस्ट्रियलिस्ट हैव द पावर्स, मतलब उनका प्रोडक्शन होता है एंड वी बिलीव कि उनको दे आर गिवन मोर लिवरेज. दे आर द वन हु वुड बी प्रोवाइडिंग विद इंडस्ट्रीज एंड देन जेनरेट एम्प्लॉयमेंट, जेनरेट रेवेन्यू. US is a capitalist model and USSR was a socialist model. अभी 90% countries are capitalist model because capitalist में development ज्यादा जल्दी होता है. Right? Then third was Karl Marx that you will be reading. He had in fact written a very beautiful book also. And Friedrich Engels. इन दोनों ने जो है they also oppose the capitalist society. Now, उस वक्त में वी आर टॉकिंग अबाउट यूरोप एंड यूरोप का ईस्टर्न पार्ट आपका आता है रशिया.
राइट एंड रशिया जो है इट कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. जब यूएसएसआर बना था तो यूएसएसआर कंप्राइज ऑफ ऑल द ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न वाला आपका सारा नाटो में गया था. तो व्हाई पीपल सपोर्टेड सोशलिज्म इन 1870 द सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेड थ्रू आउट द यूरोप एंड दे ऑल्सो फॉर्म सम एसोसिएशन कॉल्ड सेकेंड इंटरनेशनल. इन यूरोप एंड जर्मनी मेनी पीपल वॉन्टेड बेटर लिविंग वर्किंग कंडीशंस जैसे आपका सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी लेबर पार्टी सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस दे ऑल डिमांडेड दैट देयर शुड बी इक्वालिटी. अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग सोशलिस्ट आपका जो वर्ड है दैट डिफाइंस इक्वालिटी इक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर. तो दिस वॉज इन यूरोप. अब हम मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स रशिया. ये आपका वन मार्कर क्वेश्चन अ वेरी कॉमन क्वेश्चन. हु रूल्ड रशिया इन 1914 दैट इज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था उस वक्त रशिया का जो रूलर था उसका नाम था जार निकोलस टू. जार निकोलस टू. तो अब हमारा आता है देर इज अ सीरीज ऑफ थिंग्स विच हैपन. आपके पेपर में तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से आते हैं. वन इज अक्टूबर रेवोल्यूशन फेब्रुवरी रेवोल्यूशन ब्लडी संडे. मतलब इस वाले पोर्शन से आपके यू विल बी गेटिंग थ्री क्वेश्चंस. अक्टूबर रेवोल्यूशन फेब्रुवरी रेवोल्यूशन एंड ब्लडी संडे. सो नाउ व्हाट इज अक्टूबर रेवोल्यूशन व्हाट इज फेब्रुवरी रेवोल्यूशन. आज इफ यू लुक इनटू द रशिया तो यू विल सी एट दैट टाइम रशियन एम्पायर अंडर जार फिनलैंड. फिनलैंड इज वन ऑफ द मेजर प्रोडक्ट ऑफ आपके जितने भी नोकिया फोन्स है फिनलैंड में आते हैं. लेत्विया लिथुएनिया एस्टोनिया एस्टोनिया नाउ इज अ सेपरेट वन. पार्ट्स ऑफ पोलैंड यूक्रेन बेलारस जॉर्जिया अजेरबैजान. अजेरबैजान अभी जो है इट हैज स्पेसिफिकली इट इज मतलब कि इसका कैपिटल बाकू इज वेरी फेमस नाउडेज. बट पहले ये सारे जो है देवर पार्ट ऑफ रशिया मतलब रशियन एम्पायर ही इन पर कंट्रोल करता था. दिस इज हाउ रशिया वॉज देयर. अभी अगर आप देखोगे तो पोलैंड एंड देन मेनी ऑफ द कंट्रीज आर सेपरेट कम्युनिस्ट कंट्री लेकिन उस वक्त में दे वर पार्ट ऑफ रशिया. ठीक है तो उस वक्त में क्या था मोस्ट ऑफ द पीपल वर्कड एज फार्मर्स एग्रीकल्चर में ही थे वो लोग सब. एंड ये जो फार्मर्स थे रशिया में दे वर मोर देन इन यूरोप एंड फ्रांस. मतलब उस वक्त में यू कैन से रशिया वॉज एन एग्रेरियन कंट्री. एग्रेरियन मतलब उनका मैक्सिमम जो रेवेन्यू था दैट केम फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड दे वर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ ग्रेन्स ऑल्सो. उस वक्त में दे वर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ ग्रेन्स ऑल्सो. इंडस्ट्रीज छोटे कई जगहों पे आजकल क्या होता है इंडस्ट्रीज आर मोर बट एट दैट टाइम इंडस्ट्रीज वर इन पॉकेट्स. एंड आपके मेन था सेंट पीटर्सबर्ग मॉस्को. क्राफ्टमैन भी थे. फिर धीरे 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 आपके फैक्ट्री सेट हुए तो रेलवे लाइंस आए. ये रेलवे लाइंस रशिया एंड आपका जो ईस्टर्न यूरोप है इनको कनेक्ट करता था. फॉरेन इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुए एंड गवर्नमेंट टोल्ड द ओनर्स दैट देयर शुड बी मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क. बट मोस्ट ऑफ द रू जहां पे आपकी फैक्ट्रीज होती थी वहां ऐसा नहीं होता था. गवर्नमेंट की बात नहीं मानी जाती थी. द वर्कर्स हैड टू वर्क फॉर 10 to 12 hours और इवन फॉर 15 hours. ये वाला जो क्वेश्चन है दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट वन जो अब पढ़ेंगे हम. द वर्कर्स वर डिवाइडेड इंटू ग्रुप्स. मतलब वर्कर्स में भी एक अलग सा होता था. मीन्स देयर यूज टू बी पीपल जो लोग मेटल इंडस्ट्रीज में होते थे वो ऐसा बिहेव करते थे एज इफ दे वर द रिचेस्ट पीपल.
माइनर्स कंसिडर देमसेल्व्स एज एरिस्टोक्रेट्स. विमेन आपके फैक्ट्रीज में काम करती थी, बट उनकी जो उनके जो वेजेस होते थे दे वर लेस. तो वर्कर्स के अंदर भी, बट एक अच्छी चीज पता क्या थी वर्कर्स में, फ्रांस में ये चीज नहीं थी, बट इन रशिया द वर्कर्स वर यूनाइटेड इफ देयर वॉज एनी प्रॉब्लम ऑन वन ऑफ द वर्कर. मतलब इवन दो जो मेटल वाले या फिर जो मतलब कि खुद को माइनर्स जो है वो खुद को एरिस्टोक्रेट्स मतलब रिच समझते थे, बट इफ देयर वॉज एनी प्रॉब्लम विद एनी ऑफ द वर्कर ऑल ऑफ देम वर यूनाइटेड. दैट वॉज वन ऑफ द ब्यूटी इन रशिया. इन ये तो था आपका फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों का मतलब की प्रॉब्लम्स. इन द कंट्री साइड जहां आपके फार्मर्स होते थे वहां पर द लैंड वॉज गिवन बाय द नोबिलिटी, जैसे आपके फ्रांस में होता है जो चर्च नोबल्स, एंड दे विल नॉट रिस्पेक्ट द पीजेंट्स और कलेक्टेड द टैक्स एंड दे एज दे डिड नॉट गेट द पावर बाय लोकल पीपल बट बाय इम्प्रेसिंग द जार. उनको जार को इम्प्रेस करके वो लोग इनसे टैक्सेस लेते थे. यहाँ पे क्या था, फ्रांस में क्या था, जो फ्रेंच थे दे यूज टू गिव द टैक्सेस, बट यहाँ ये क्या करते थे जो पीजेंट्स होते थे दे विल किल द लैंड ओनर्स. मतलब दिस इज द डिफरेंस. जो आपके फैक्ट्री वर्कर्स थे दे वर यूनाइटेड एंड जो पीजेंट्स थे दे वर एग्रेसिव. वो लोग एग्रेसिव हुआ करते थे, अगर उनसे जबरदस्ती की जाती थी तो दे वुड इवन किल द लैंड ओनर्स. बट फ्रांस में ऐसा नहीं होता था. फ्रेंच में इफ यू रिमेम्बर फ्रेंच रिवोल्यूशन के अंदर जो आपके थर्ड एस्टेट के मेंबर्स होते थे दे यूज टू गिव द टैक्स. नाउ जो जार था ही वॉज वेरी ऑटोक्रेटिक. जार जो है वो ऑटोक्रेटिक था. क्यों? क्योंकि ही वुड नॉट अलाउ एनी वन टू स्पीक अगेंस्ट, ही वुड नॉट अलाउ एनी क्रिटिसिज्म. द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी जिसका बाद में नाम बोल्शेविक हो गया था, याद रखना वन मार्कर क्वेश्चन, प्लीज रिमेम्बर द रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी जो है इट वॉज फाउंडेड एंड दे यूज टू वर्क सीक्रेटली क्योंकि जार डिड नॉट लाइक. वहां पर आपका जो लेबर पार्टी बनाना, स्ट्राइक पर जाना, दीज ऑल वर इलीगल, राइट? दीज ऑल वर इलीगल. द जार डिड नॉट अलाउ दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज. लाइक इन इंडिया डेमोक्रेटी में, डेमोक्रेसी के अंदर आपका जो डेमोक्रेटिक राइट्स है उसके अंदर यू हैव दिस, यू हैव द राइट टू प्रोटेस्ट, यू हैव द राइट टू गो ऑन स्ट्राइक, यू हैव द राइट टू फॉर्म यूनियन. लेकिन वहां ऐसा नहीं था. बाद में देयर वर इसी पार्टी ने दो मतलब कि इट वॉज डिवाइडेड इन टू टू. वन वॉज बॉल्शेविक विच वॉज एक्चुअली बाद में उन्होंने ही रूल किया था एंड द सेकेंड वर मेंशेविक्स हु वॉज विच वॉज हेडेड बाय जूलियस. बाद में बॉल्शेविक ही था जिसने, बॉल्शेविक जो मतलब की ग्रुप है दैट ओनली हेडेड. नाउ इनमें मतलब इनको सपोर्ट करते हुए बॉल्शेविक को दे वांटेड लेनिन, उसका जो लीडर था वो था लेनिन. प्लीज रिमेम्बर कार्ल मार्क्स, लेनिन, बॉल्शेविक, दीज टर्म्स हैव टू बी रिमेम्बर्ड फ्रॉम दिस चैप्टर. लेनिन जो है ही वांटेड बॉल्शेविक टू बी इन लिमिटेड नंबर एंड इट शुड बी डिसिप्लिन, वेयर एज जो आपके मेंशेविक्स थे दे वॉन्टेड एवरी वन शुड ज्वाइन द ग्रुप. ऐसा कुछ नहीं है, देर शुड बी नो लिमिटेशन. दैट इज वाई देर वॉज अ मतलब की डिविजन. नाउ एज आई सेड रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी. द जार डिड नॉट रेस्पॉन्ड टू एनी पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में अगर उसके खिलाफ कोई भी आवाज उठाएगा ही डिड नॉट टॉलरेट इट. तो नाउ दे वॉन्टेड जो लिबरल्स हैं, जो डेमोक्रेट्स हैं, सोशल डेमोक्रेट्स हैं, दे ऑल वॉन्टेड दैट देयर शुड बी अ प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन. देयर शुड बी अ प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ वॉट हैपेंड एट दैट टाइम, दिस इज वन ऑफ द अगेन श्योर शॉर्ट क्वेश्चन विच वी कॉल एज ब्लडी संडे. We call it as Bloody Sunday. Actually, there was one
मतलब कि ग्रुप डिमांडिंग द राइट्स एंड इट वाज हेडेड बाय फादर गैपन एंड व्हेन दे प्रोसीडेड दे वर अटैक्ड एंड नंबर ऑफ पीपल वर किल्ड. दैट वाज अ संडे सो इट केम टू नो 100 मोर देन 100 पीपल वर किल्ड एंड इट वाज कॉल्ड एज ब्लडी संडे. तो हाउ इट हैपेंड इन 1904 देर वॉज अ टाइम जब जो आपके नॉर्मल गुड्स होते हैं एसेंशियल गुड्स विच वी ईट विच वी कंज्यूम दे हैड राइज्ड बट वेजेस आपके लेस थे. एंड इन वन ऑफ द आयरन मिल्स आयरन वर्क में आयरन के फैक्ट्री में फोर वर्कर्स हैड बीन डिसमिस्ड एंड अराउंड 11 मतलब कि 1,10,000 पीपल हैड गैदर्ड एट सेंट पीटर्स फॉर प्रोटेस्टिंग दिस. उन्होंने जो है दे आस्क फॉर द रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स दे आस्क फॉर बेटर फैसिलिटी एंड दिस वॉज लेड बाय फादर गेपन वन मार्कर क्वेश्चन. और उसके बाद दे वेंट टू द विंटर पैलेस. नाउ वॉट इज विंटर पैलेस. इन मोस्ट इवन इन इंडिया वी यूज टू हैव समर पार्लियामेंट एंड विंटर पार्लियामेंट. समर आपका जो कैपिटल एंड विंटर कैपिटल एंड दैट इज बिकॉज दे मूव एज इट बिकम्स कोल्ड. विंटर पैलेस दे वॉन्टेड टू मूव टू द विंटर पैलेस बट वहां बीच में दे हैड अ क्लैश एंड अराउंड 100 पीपल वर किल्ड 300 वूंडेड सिवियरली. Even in opposite to this, college students banned their studies and demanded for civil liberties. This all incident came to be known as Bloody Sunday. If this chapter comes, whenever it comes, this will be there in the exam, sure and short. Father Geppel. दिस इज द विंटर पैलेस. सो नाउ जब ये सब कुछ हुआ नवंबर तो नाउ ही वॉन्टेड जो निकोलस था ही वॉज नाउ टेंस्ड. अब उसको लगा कि पीपल आर बिकमिंग अगेंस्ट हिम सो ही कॉल्ड फॉर द मीटिंग और उसने कहा कि ही वुड हैव एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन. वन मार्कर क्वेश्चन. वेन दिस क्वेश्चन कम्स आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो हैं वो इस और नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा नाजिज्म है दोनों से कंफ्यूज होते हैं. प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज. रशिया का जो पार्लियामेंट जो क्रिएट किया गया था इट वॉज कॉल्ड एज दूमा DUMA. उसका अलग आएगा और ये हमेशा पेपर में आता है एंड चिल्ड्रन नॉर्मली मार्क इट. बट दूमा वॉज वेरी वीक. वाई निकोलस जो है ही डिड नॉट अलाउ एनी क्रिटिसिज्म. सो विद इन 75 days उसने दुमा को डिसमिस कर दिया. फिर दोबारा से 3 months में डिसमिस कर दिया. उसको दोज पीपल हु डिड नॉट फॉलो हिम ही डिड नॉट अलाउ देम टू बी पार्ट ऑफ दैट इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन. ही वॉन्टेड ओनली द कंजर्वेटिव जो लोग उसको फॉलो करते थे सिर्फ वही लोग उस पार्लियामेंट में हो ऐसा वो चाहते थे वो चाहता था. 1914 to 18 was a World War I period, and Russia was one of the major participant in World War. उस वक्त जर्मनी ऑस्ट्रिया टर्की सेंट्रल पावर फ्रांस ब्रिटेन रशिया इटाली रोमानिया अलायंस. आपके पेपर के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इनमें से और ये आपका मैप का क्वेश्चन भी है क्लास 9. दिस विल बी योर मैप क्वेश्चन ऑल्सो टू मार्क. सेंट्रल पावर आपका जर्मनी ऑस्ट्रिया टर्की एंड आपके जो फ्रांस ब्रिटेन रशिया इटाली रोमानिया उनके अलायंस यानी उनको सपोर्ट करते थे. सो दिस वॉज हाउ द वर्ल्ड वॉर वॉज टेकिंग. अब वर्ल्ड वॉर में रशिया वॉज अ पार्ट सो इट डिड नॉट टेक एनी. अब कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है. जहां बिफोर टेकिंग एनी डिसीशन वी हैव टू कंसल्ट द पीपल दैट इज व्हाट पार्लियामेंट डज. हमारे यहाँ का पार्लियामेंट क्या करता है बिफोर मेकिंग एनी लॉ
Those 543 people who are there, उनमें से जो 2/3 elected हैं, they all give their views, and then when the majority supports, then only that law is passed. In fact, कल जो आपका ट्रेजेडी हुआ इन बांग्लादेश, एंड वहां की जो प्राइम मिनिस्टर, मतलब की द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, व्हेन शी केम फॉर द शेल्टर टू इंडिया, द गवर्नमेंट हैज कॉल्ड अप अ ऑल पार्टी मीटिंग, जिसमें सबको बुलाया. दिस इज डेमोक्रेसी, दिस इज अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन जार ने ऐसा कुछ नहीं किया. ही डिड नॉट कंसल्ट द पार्लियामेंट, और उस वक्त में रशियन आर्मी वॉज द बिगेस्ट, बट दे वर डिफीटेड, दे वर बैडली डिफीटेड इन दिस वॉर. अराउंड 7 मिलियन कैजुअलिटी, यानी कि 70 लाख पीपल लॉस देयर लाइफ्स. रशियन आर्मी जो बची हुई थी, दे वर सो एंगर्ड कि उन्होंने जितने भी आते हुए ऑल द क्रॉप्स, बिल्डिंग्स, इन सबको जो है, मतलब इन द यूरोपियन एरियाज, क्रॉप्स, बिल्डिंग, सबको तोड़ फोड़ दिया. एंड वो लोग जिनके पास घर नहीं थे, दे ऑल केम एज रिफ्यूजीज टू रशिया. रिफ्यूजीज कौन होते हैं? क्लास 9, दोज हु टेक शेल्टर इन अनदर कंट्री एज देयर इज सम प्रॉब्लम इन देयर कंट्री. लाइक इन इंडिया, अराउंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट 70 लाख पीपल विल बी टेकिंग शेल्टर इन इंडिया, सॉरी, 7 लाख पीपल विल बी टेकिंग शेल्टर इन इंडिया ड्यू टू द बांग्लादेश क्राइसिस. तो वहां से जो यूरोपियन एरियाज थे, वहां से मेनी पीपल, उन लोगों ने अपना घर छोड़कर रशिया में जो है, दे आर टेकन. जो उस वक्त में बाल्टिक सी वाला एरिया था, दैट वाज इन कंट्रोल ऑफ जर्मनी, एंड दे स्टॉप द इनकम ऑफ रॉ मटेरियल. उन्होंने रॉ मटेरियल्स को खत्म कर दिया. रेलवे लाइंस जो जोड़ती थी रशिया एंड ऑल, दे ऑल वर कट. टेलीग्राफ लाइन सब कट हो गए. एंड दिस लेड टू सिवियर शॉर्टेज ऑफ फूड. एंड इस वजह से बाय विंटर ऑफ 1916 कई जगहों पर खाने के लिए जो है, लोग एक दूसरे को मारते पीटते थे. मतलब दिस वॉज द वन. एंड देयर केम द फेब्रुवरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्रेड. पेट्रोग्रेड आपका सेंट पीटर्स का पुराना नाम था, मतलब नया नाम था. नाउ इट हाउ इट हैपेंड, अगर आप पेट्रोग्रेड को देखोगे तो रिवर होता था बीच में, जैसे यमुना के इस तरफ ईस्ट दिल्ली है, उस तरफ आपके सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली है. उसी तरीके से रिवर के लेफ्ट साइड में द प्रेस्टीजियस पीपल, जो आपके राजा, नोबिलिटी, ये सब रहते थे, और वहां कोई प्रॉब्लम नहीं थी. दे वर लिविंग अ वेरी हैप्पी लाइफ. एंड ऑन द राइट साइड ऑफ द रिवर वर द पुअर पीपल, जो फैक्ट्री में काम करते थे, वो सब थे. एंड ऑल ऑफ देम वर लिविंग ओवर देयर, और उनका जो उनकी जो कंडीशन थी, दैट वॉज वेरी 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 ग्रिम. आपके पेपर में जो आपको ये वर्ड लिखना है, ग्रिम, द पोजिशन वॉज वेरी ग्रिम. इफ यू सी ऑन दिस वे, लेफ्ट साइड में अगर आप देखो तो यू कैन सी द पैलेस. दिस वॉज हाउ द पीपल वर सफरिंग. वहां फूड शॉर्टेज था, ऊपर से देर वॉज विंटर. एंड नेपोलियन थॉट टू डिजोल्व द, सॉरी, नेपोलियन नहीं है, दिस जार थॉट टू डिजोल्व द डूमा. अब 22 फरवरी, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनेशनल विमेन्स डे. 1 मार्कर या 2 मार्कर क्वेश्चन, ब्लडी संडे के बाद दिस इज वन ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन विच कैन कम इन 1 और 2 मार्कर. इट वॉज 22 फरवरी, वन ऑफ द फैक्ट्री वॉज शट डाउन विदाउट एनी इंफॉर्मेशन. तो जो वर्कर्स थे, देवर यूनाइटेड, उन्होंने सारी फैक्ट्रीज बंद कर दी. एंड दिस इस स्ट्राइक में द विमेन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल विमेन्स डे. नाउ दे ऑल वॉन्टेड टू मीट द गवर्नमेंट, द किंग. दे डेमोन्स्ट्रेटेड 22, 23, 24, वो लोग जो है आगे बढ़ते गए, बट द किंग वॉज नॉट टेकिंग एनी चार्ज. वो उस वक्त में कोई चार्ज ले नहीं रहा था. नाउ वॉट हैपेंड,
ऑन 25th फरवरी जो जार था, इट इज रॉन्गली रिटन, आई एडिटेड, जार जो था ही डिसमिस द पार्लियामेंट, उसने पार्लियामेंट को डिसमिस कर दिया। मेनी पीपल केम ऑन द रोड, बहुत सारे जो लोग हैं वो रोड पर आए एंड दे प्रोटेस्टेड, दे रेज द स्लोगन्स। अब राजा जो है गुस्से में, उसने अपने कैवेलरी मतलब अपने सोल्जर्स को बुलाया टू शूट देम, बट कैवेलरी ने भी उनको ज्वाइन नहीं किया, दे ज्वाइन द पीपल। एंड ऑन 28th फरवरी 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, नाउ द पीपल द सोल्जर्स दे ऑल फॉर्म्ड यूनियन विच इज कॉल्ड एज सोवियत, विच इज कॉल्ड एज सोवियत। और उसके बाद उन लोगों ने जो है जार से मिले एंड ही वॉज आस्ड टू लीव हिज थ्रोन, एबडिकेट हिज थ्रोन। एबडिकेट मतलब अपने थ्रोन को छोड़ने के लिए उन्हें मजबूर किया गया एंड देन उनके जो मिनिस्टर्स थे वो वहां से भाग गए, दे फ्लेड अवे एंड अल्टीमेटली द किंग हैड टू लीव हिज थ्रोन ऑन 2nd मार्च। तो जो ये 22nd से 28th तक जितना इंसिडेंट हुआ है क्लास 9, इट इज कॉल्ड एज फेब्रुवरी रेवोल्यूशन। उसमें आपको ये सारे पॉइंट लिखने हैं एंड आई एम सॉरी बट यू हैव टू राइट ऑल द पॉइंट्स, व्हाट हैपेंड फ्रॉम 22nd to 28th। एंड फाइनली 28th के बाद फर्स्ट सेकेंड मतलब 29th तो था नहीं, फर्स्ट एंड सेकेंड को द जार लेफ्ट। नाउ व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, फेब्रुवरी रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ? टोटली जो लोग थे देवर मतलब थोड़ा सा उनको जो है फ्रीडम मिला, जो सोवियत है देवर गिवन द पावर्स मतलब देवर गिवन द फ्रीडम, पब्लिक इवेंट जो पहले नहीं अलाउड था दैट वाज अलाउड, इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर सबने जो है कई अपने अपने ग्रुप्स बनाए एंड दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द इंडस्ट्रियल ओनर्स, दे वॉन्टेड दैट इंडस्ट्रियल ओनर्स जो है इंडस्ट्रीज जो है दैट शुड बी इन द हैंड्स ऑफ द रूलर्स। अब उसी वक्त बोल्शेविक का जो लीडर था व्लादिमीर लेनिन, ही वॉज एग्जाइल्ड, उसको उस वक्त में जार ने एग्जाइल में भेजा था जंगल में। तो ही केम बैक और ही रोट थ्री डिमांड्स, थ्री मार्कर क्वेश्चन है और अभी तक मैंने जितने पेपर्स देखे हैं इसमें क्वेश्चन जरूर आता है, व्हाट इज अप्रैल थीसिस, बिकॉज़ ही हैड कम इन अप्रैल एंड दिस वाज अ थ्री डिमांड, व्हाट वर दोस डिमांड्स? फर्स्ट, जो बैंक्स थे उस वक्त में दे वर ऑल प्राइवेट, दे शुड बी इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट यानी कि नेशनलाइज्ड। लैंड्स जो है उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए टू द पीजेंट्स एंड जो वॉर चल रहा है वर्ल्ड वॉर, इट शुड बी स्टार्ट मतलब कि स्टॉप। और उसने बॉल्शेविक को एक नया नाम दिया, कम्युनिस्ट पार्टी। इनफैक्ट कम्युनिस्ट पार्टी लेटर ऑन रूल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब इन उसके अंदर रशिया के अंदर आपका जो कम्युनिस्ट पार्टी था वो काफी टाइम रहा। दिस आई हैव ऑलरेडी सेड। नाउ फरवरी में आपके रेवोल्यूशन हुआ 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। देन द जार लेफ्ट, जार ने अपने थ्रोन को छोड़ दिया, देन दैट इज कॉल्ड एज फरवरी रिलेशन। अब फरवरी से लेके अक्टूबर तक देर वर मेनी प्रॉब्लम्स क्रॉपिंग अप एंड अगेन देर वॉज अ रेवोल्यूशन इन अक्टूबर, याद रखना। अब फरवरी में जब राजा ने छोड़ा, जार ने छोड़ा, उसके बाद देर वॉज एन इंटरिम गवर्नमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरिम और प्रोविंशियल गवर्नमेंट? यानी कि टेम्पररी गवर्नमेंट। जब तक प्रॉपर इलेक्शंस नहीं हो जाते, जब तक एक प्रॉपर सेटअप नहीं हो जाता, देर वॉज अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल मतलब एक टेम्पररी गवर्नमेंट। अब जो टेम्पररी गवर्नमेंट है उनमें और बॉल्शेविक्स के बीच में देर यूज टू बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट था उनको लगता था लेनिन जो है
वो डिक्टेटरशिप लेकर आ जाएगा. नाउ व्हाट इज डिक्टेटरशिप? मींस वेयर द पावर इज ओनली विद इन फ्यू पीपल, जहां वो जैसा चाहेगा ही वुड रूल. एंड लेनिन ही गॉट द सपोर्ट फ्रॉम सोवियत फैक्ट्री पीपल, और उसने जो है मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटी बनाई. एंड ऑन 16 अक्टूबर लेनिन ने सोवियत और पार्टी मेंबर को बोला कि जाकर अटैक करो एंड सीज द पावर, यानी कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसको अटैक करके वहां पर बोल्शेविक का पावर आ. एंड दिस वॉज हेड बाय लियोन ट्रॉट्स्की. अल्टीमेटली ये वाला जो डेट था दिस वॉज नॉट टेन. अब प्राइम मिनिस्टर उस वक्त में केरेंसकी, जो केरेंसकी था, उसने ट्रूप्स को बुलाया, लेकिन जो लोग बॉल्शेविक के मतलब कि लॉयल्स थे उन लोगों ने क्या किया, दे ऑल अटैक द विंटर पैलेस. वहां पर एक शिप था जिसका नाम था अरोरा, अरोरा उसको भी इन लोगों ने अटैक किया, स्टोन मारा एंड स्टॉप्ड इट एट द रिवर नेवा. एंड अल्टीमेटली मिलिट्री रेवोल्यूशनरी पार्टी जो है उसने जितने भी मिनिस्टर्स थे दैट इज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, उन सबको जो है अटैक किया. दिस इज द शिप अरोरा. अब रात को इट वॉज अंडर द कमिटीज कंट्रोल. देर वॉज अ हेवी फाइटिंग बिटवीन मॉस्को एंड पेट्रोगेट एंड लास्ट दे बोथ वर अंडर द कमिटी. और इस तरीके से जो बॉल्शेविक था इट केम इन टू पावर. दिस इज अक्टूबर रेवोल्यूशन. अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग वॉट इज अक्टूबर रेवोल्यूशन. अक्टूबर रेवोल्यूशन रेफर्स टू द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टुक प्लेस इन अक्टूबर व्हेन लेनिन टुक ओवर, बॉल्शेविक्स टुक ओवर द पावर फ्रॉम द प्रोविंशियल गवर्नमेंट. अब जब बॉल्शेविक्स पावर में आ गए तो इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स जैसा वो चाहते थे देवर नेशनलाइज, मतलब देवर विद द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट. लैंड को सोशल डिक्लेयर किया गया, इट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑटोक्रेसी को हटा दिया गया. देर वर न्यू यूनिफॉर्म्स ऑफिशियल्स कॉल्ड मतलब कि बुदेनुका करके, दे इट ऑल वर डन. मतलब काफी चेंजेस आपके जो हैं दैट केम आउट. ये मिलिट्री आपके यूनिफॉर्म्स हैं विच केम आउट. एंड इट वॉज कॉल्ड एज रशियन कम्युनिस्ट पार्टी. बट जब इलेक्शन हुए तो देर वॉज उनको मेजोरिटी नहीं मिला. एंड अगेन इन मार्च देर वॉज अ पीस बिटवीन रशिया एंड जर्मनी. सीक्रेट पुलिस वहां पर भी आए, आप लोग नाजिज्म में पढ़ोगे. नाउ यहां पर जो सीक्रेट पुलिस है उनको उनको बोला जाता है चेकास. एंड एनी वन जो बॉल्शेविक्स को क्रिटिसाइज करता था उनको पकड़ लिया जाता था. मेनी ऑफ द पीपल वर अरेस्टेड एंड मेनी ऑफ द राइटर्स, मेनी ऑफ द पीपल केम ऑन रोड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट देम. यानी कि रशिया के अंदर जो बॉल्शेविक का जो मतलब कि रूल था इट वॉज नॉट लाइक्ड बाय एवरीवन. अब बॉल्शेविक ने ये मतलब बोला था द लैंड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड. तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या था, पहले इट वॉज ओनली विद द रिच पीपल सो इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली. तो जो आर्मी में लोग थे दे जो लोग पहले दोज हु आर एग्रीकल्चर वो सब वापस जाने लगे. नाउ देयर वर थ्री काइंड्स ऑफ पीपल इन रशियन एम्पायर, द रेड जो बॉल्शेविक्स थे, द ग्रीन जो प्रॉपर सोशलिस्ट में विश्वास रखते थे, एंड वाइट जो पुराने ऑटोक्रेसी को बिलीव करते थे. द ग्रीन एंड वाइट यानी कि जो सोशलिस्ट एंड जो ऑटोक्रेसी में थे उन लोगों ने जापान ब्रिटेन अमेरिका फ्रांस इन सब से जो है सपोर्ट लेना लेना शुरू किया अगेंस्ट सोशलिस्ट. दे वर ऑल अगेंस्ट द बॉल्शेविक्स. एंड बाकी लोग जो थे द बॉल्शेविक्स एंड द अदर ग्रुप ऑफ फाइटिंग इन वन साइड लूटिंग फॉर मतलब की फेमाइन ये कॉमन था. इसको हम बोलते हैं क्लास 9 एज सिविल वॉर. यानी देर वॉज अनरेस्ट इन साइड द कंट्री. कंट्री के अंदर ही आपस में ही ये लोग सब झगड़ा करते थे, कहीं पे लूटपाट हो रही है, कहीं पे फेमाइन है, कहीं पर मतलब कि देर इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. देर वॉज नो पीस इन साइड रशिया एट दैट टाइम.
जो लोग व्हाइट्स को सपोर्ट करते थे दे गॉट बैक द लैंड्स, एंड इसके बाद देर वॉज मोर कंट्रोल, बहुत ज्यादा कंट्रोल होने लगा। इनफैक्ट वहां पे जो मुस्लिम रूलर्स थे जदिस्ट, उनके साथ उन लोगों ने जो है मिलकर लैंड को लेने की कोशिश की। दोज हु वर नॉन रशियंस, जो वहां के नहीं थे, जैसे इस्तोनिया, लिथुएनिया, दे वर गिवन ऑटोनॉमी इन सोवियत यूनियन, बट पीपल वर नॉट हैप्पी विथ, मतलब कि ओवरऑल दे वर नॉट हैप्पी, एंड दिस वॉज हाउ रशिया के अंदर देर वॉज एन अनरेस्ट। आपका जो इस अनरेस्ट को हम बोलेंगे सिविल वॉर। ड्यूरिंग दैट पीरियड लेनिन डाइड एंड रशिया केम अंडर वन ऑफ द डिक्टेटर कॉल्ड स्टालिन। मतलब अगर आप स्टालिन के बारे में आगे पढ़ते तो यू विल कम टू नो हाउ, मतलब कि हार्श ही वॉज। अब स्टालिन वॉज द न्यू हेड, और जब वो आया तो उसने जो है कई चेंजेस किए, और आपके पेपर में स्टालिन वाले में से आता है क्वेश्चन कलेक्टिवाइजेशन। स्टालिन वाले में से क्लास 9 यू वुड बी गेटिंग द क्वेश्चन कलेक्टिवाइजेशन, कलेक्टिवाइजेशन ऑफ स्टालिन। नाउ द पीपल इन रूरल एरियाज दे डिड नॉट वॉन्ट टू सेल द ग्रेन्स इन मार्केट, क्योंकि उनको था कि डिमांड होगा तो प्राइस बढ़ेगा। द पार्टी मेंबर्स टूअर टू फार्म्स एंड रेडिंग द कुलाक्स, द रिच पीपल उनको रेड करते थे। दे वॉन्टेड कि इनके जो एरियाज हैं इनको जब्त कर लिया जाए। तो स्टालिन ने क्या किया, एक तरीका निकाला टू कलेक्टिवाइज। कलेक्टिवाइज मतलब अपने लैंड को एक साथ कलेक्ट कर लो। कोऑपरेटिव में क्या होता है, हम मिलकर काम करते हैं, अपने अपने जमीन पर काम करते हैं, लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट आता है हम उसको बेचते हैं, या हमें जो रॉ मटेरियल्स लेके आना पड़ता है वो हम एक साथ लेकर आते हैं। कलेक्टिवाइजेशन में क्या होता है, जो लैंड होता है सभी लैंड को मिला लिया जाता है, मतलब आपका घर, मेरा घर, उसका घर, इसका घर, सब मिलकर एक बड़ा घर। तो उसने सोचा कि इफ लैंड आर कलेक्टिवाइज तो ज्यादा आपके जो है लैंड को मॉडर्नाइज किया जाएगा। बट दिस, और जो लोग नहीं करते थे ही वुड टॉर्चर देम, दे वुड बी सेंट टू द कंसेंट्रेशन कैंप। जो लोग कलेक्टिवाइजेशन को सपोर्ट नहीं करते थे, स्टालिन वुड सेंड देम टू द कंसेंट्रेशन कैंप, दे वर किल्ड, एंड देयरफॉर पीपल वर एंग्री। उन्होंने अपने ही कैटल, अपने ही जो सामान है, उन सबको मारना शुरू कर दिया, सो दैट उनसे जबरदस्ती उनकी जमीन को ना छीना जाए। द पीपल आर्ग्यू दैट दे वर नॉट रिच, दे वर नॉट अगेंस्ट सोशलिज्म, बट दे डिड नॉट वॉन्ट टू सपोर्ट कलेक्टिवाइजेशन। उन्होंने जो है, स्टालिन अलाउड देम टू कल्टिवेट अलोन बट वर ट्रीटेड अनसिंपथेटिकली। बट इतना करने के बावजूद भी, इवन आफ्टर दिस, इवन आफ्टर दिस, द प्रॉब्लम डिड नॉट सॉल्व। मोर देन 2 मिलियन पीपल वर अरेस्टेड, उनसे जबरदस्ती उनसे साइन करवाया जाता था। इवन पीपल, जो लोग मतलब कि जो बड़े बड़े लोग थे, दे वर ऑल्सो देयर, बट स्टिल दे वर नॉट, मतलब उनको जेल में डाल दिया जाता। लेटर बाय 1950, स्टालिन जब था 1950, देर वर मेनी प्रॉब्लम्स। अभी तक तो ये जितनी प्रॉब्लम्स थी दीज वर नॉट नोन टू द पीपल, लेकिन अब जो रशिया में हो रहा था, धीरे 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 ऑल दीज इवेंट स्टार्टेड बिकमिंग पब्लिक, नॉट ओनली इन रशिया बट आउटसाइड रशिया ऑल्सो। बाहर में भी लोगों को पता लगा वॉट वर द प्रॉब्लम्स दैट रशियंस वर फेसिंग, वॉट वर द प्रॉब्लम्स दैट रशियंस वर फेसिंग। इवन दो देर वर सम कॉलेजेस ओपन, लेनिन ने जो है इवन उसने एक कॉन्फ्रेंस भी किया था, उसमें कई नॉन रशियंस भी आए थे। देर वॉज अ कॉलेज कम्युनिस्ट के लिए, जिसमें कई लोगों को वॉट इज कम्युनिज्म उस पर जो है दे वर इवन गिवन द मतलब की एजुकेशन, पीपल इवन ज्वाइन देम। स्टिल रशिया का जो ये प्रॉब्लम था दैट बिकेम अ ग्लोबल, मेनी ऑफ द पीपल सपोर्टेड द सिस्टम ऑफ सोशलिस्ट बट मोस्ट ऑफ द पीपल सपोर्टेड कैपिटलिस्ट। दैट वॉज अ पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर, आपके में नहीं है,
That was called as a period of Cold War, जब यूएस एंड यूएसएसआर दो पोल्स बन गए. जो लोग यूएस के मॉडल को सपोर्ट करते थे दे वर कॉल्ड एज नॉर्थ, मतलब कि नाटो, एंड जो लोग यूएसएसआर को सपोर्ट करते थे उनको वॉर्सो पैक्ट में कहा जाता. एंड यूएस एंड यूएसएसआर इन वन वे वर हैविंग एनिमिटी, मतलब दैट वाज अ कोल्ड वॉर, नेवर दे हैड एनी हॉट वॉर. देयर वाज नो, मतलब कि कोई ऐसा वो नहीं था जिसमें गोलियां चली थी. येट लेटर ऑन ये जो सिस्टम था, धीरे 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 दिस सिस्टम स्टार्टेड डिसइंटीग्रेटिंग. बाद में जो रशिया यूएसएसआर बना था वो वापस डिसइंटीग्रेट हो गया, एंड अगेन इट केम टू नो एज रशिया. आज भी हम उसको रशिया ही कहते हैं, आज भी हम उसको रशिया ही कहते हैं. बीच में इट वॉज यूएसएसआर, देन इट डिसइंटीग्रेटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गॉर्बचो, मिशेल गॉर्बचो. एंड वॉट एवर टूडे रशिया इज, नाउ रशिया इज ऑल्सो हैविंग अ कैपिटलिस्ट मॉडल, काइंड ऑफ मॉडल, बट इट वॉज रशिया जहां सबसे पहले सोशलिज्म जो है दैट वॉज एक्सपीरियंस्ड अक्रॉस द ग्लोब. अगर हम ग्लोब में किसी भी कंट्री को देखते हैं तो हम इसको कहते हैं. इसीलिए क्लास 9 जो आपके नौ, मतलब कि वेस्टर्न साइड की कंट्रीज हैं, यूएस, यूके, यूरोप, इन सबको हम फर्स्ट वर्ल्ड बोलते हैं बिकॉज यहाँ डेवलपमेंट सबसे पहले हुई थी. रशिया एंड दीज कंट्रीज आर कॉल्ड सेकेंड वर्ल्ड, जहाँ डेवलपमेंट बाद में स्टार्ट हुआ था. एंड जो इंडिया और जो आपके सदर्न ईस्टर्न एशियंस हैं इनको थर्ड वर्ल्ड बोला जाता है, वेयर द डेवलपमेंट इज स्टिल टेकिंग प्लेस. एंड दिस वॉज हाउ देयर केम टू मॉडल्स, वन इज कैपिटलिस्ट मॉडल एंड अनदर वन इज सोशलिस्ट मॉडल, जो आपका रशियन मॉडल है. और रशिया की वजह से ही ये जो सोशलिस्ट मॉडल है इट केम इन टू द वर्ल्ड. आज भी देर आर सो मेनी पीपल हु सपोर्ट, इवन इन इंडिया देर वर मेनी पीपल हु सपोर्टेड दिस थियोरी एंड दे वॉन्टेड दैट देर शुड बी अ सोशलिस्ट काइंड ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया. तो दिस इज वॉट वी कॉल एज अ समरी ऑफ रशियन, सॉरी, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन. अगेन फ्रॉम दिस चैप्टर आई, मतलब कि मैं आपको बता रही हूँ, स्टार्टिंग में से आपके जो कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टीज बनी थी दे आर इम्पॉर्टेंट इन वन वन मार्कर. हु रोल्ड ओवर रशिया इन 1914, दैट इज वन. हु वॉज फादर गेपन, ब्लडी संडे, Which day is called as International Women's Day, that is 22nd February. Then write the important events of February Revolution, the 22nd February से 28 तक के बीच का आपको सब कुछ लिखना है. Then October Revolution, जिसमें आपके लेनिन जो, मतलब की जो पावर लिया था, दैट आपका लेनिन ने जो पावर लिया था फ्रॉम द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वो वाला लिखना है. दैट इज वन. देन ऑन विच डे द जार अबडिकेटेड हिज पावर, मतलब उसने अपना थ्रोन छोड़ दिया था, 2 मार्च. ये आपके वन वन मार्कर क्वेश्चन है. सो मोस्ट ऑफ द, देन वॉट इज ब्लडी संडे, दिस मे बी अ 2 और 3 मार्कर. कार्ल मार्क्स के ऊपर आपका शॉर्ट नोट आ सकता है, या द, मतलब कि मेन डिमांड इन अप्रैल थीसिस, द 3 डिमांड्स, दैट इज नेशनलाइजेशन, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टॉप टू वॉर. ये आपका 3 मार्कर क्वेश्चन. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, दैट इज सोशलिज्म इन रशिया एंड रशियन, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन.